नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें बात करेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की, कि कैसे हम जो आकृति हमें दी गई है उसमें हम रेक्टेंगल को कैसे काउंट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि तीन आकृतियां हमें दी गई हैं, तीन प्रश्न हैं, तो इसको कैसे हल करना है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन करते हैं तो उसका बेसिक क्या रहता है, वो कंसेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को देखते हैं, इसको कैसे हल करना है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हमें ये दिखता है कि यह दो बेसिक पिक्चर से मिलकर बनी है। तो हमें सबसे पहली जो बेसिक पिक्चर है उसमें काउंटिंग करनी है। कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास पहली बेसिक पिक्चर है, इसमें हम काउंटिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इसमें क्या करते हैं, 6 को हम डबल कर देते हैं। तो जो पहली पिक्चर है इसमें हमारे पास 12 ट्रायंगल हैं, और जो दूसरी आकृति है जो हमारे राइट में है ये वाली, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। तो मतलब कि 12 होंगे तो इसमें भी 12 होंगे, तो 12 × 2 तो 24, तो 24 ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो हमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि जब हमने इस बेसिक पिक्चर को और इस बेसिक पिक्चर को आपस में मिलाया तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितनी बनी। अगर इसमें हम देखें, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एक तो हमारी ये एक्स्ट्रा बनी, लिख देते हैं 1, उसके बाद एक एक्स्ट्रा हमारी ये बनी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली एक और बनी। अब इसके बाद देखते हैं क्या और भी कोई ऐसी ट्रायंगल हैं जो इनको मिलाने से बनी हैं। बिल्कुल हैं, वो आपको अगर मैं दिखाऊँ, एक ट्रायंगल ये है ये वाली, और एक ट्रायंगल ये वाली है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस फिगर में दोनों पिक्चर को मिलाने से 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनी, तो टोटल हुआ ये 24 और 4 28, कि इस पिक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो 28 हैं। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। इसमें हमारे पास देखें कि तीन आकृतियों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाई गई है, और इन तीन आकृतियों की जो बेसिक पिक्चर है अगर हम देखें, वो बेसिक पिक्चर ये है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट कर लें तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस तरह की तीन आकृतियों से मिलकर बना ये 1, 2 और 3। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल कितनी है, तो वही जो कंसेप्ट है उसका यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले जो इंडिविजुअल ट्रायंगल हैं उनकी नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और 6 को करेंगे हम डबल, 2 से गुना करेंगे तो 6 × 12। जब एक आकृति में 12 ट्रायंगल हैं तो इस तरह की तीन आकृतियों को मिलाकर एक बड़ी आकृति बनाई गई है, तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 3 = 36। तो 36 तो वो ट्रायंगल हैं जो हमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब हमें वो ट्रायंगल देखनी है, वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल, कि तीनों पिक्चर्स को आपस में मिलाने पर एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितनी बन रही हैं। उसके लिए अगर हम देखें, जो सबसे पहले अगर हम देखें एक और दो बॉक्स को लेते हैं, तो इसमें जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रही हैं इस वाले बॉक्स में, एक ट्रायंगल तो ये बन रही है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है। मतलब कि एक और दो जो हमारे पास पिक्चर है इनको मिलाने से 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनी। उसके बाद हम देखते हैं 2 और 3 को, जब हम 2 और 3 के बॉक्स को देखते हैं ये और ये, तो यहाँ पर एक तो ये बनी एक्स्ट्रा और एक बनी ये वाली, तो 2 यहाँ पर बनी है तो 4 एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो अब देखते हैं कि क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी बनती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें 1, 2 और 3, अगर तीनों बेसिक पिक्चर को देखें तो इनमें एक बड़ी ट्रायंगल बनती है, वो है ये वाली,
एक बड़ी ट्रायंगल ये बनती है। तो टोटल एक्स्ट्रा हमारे पीसेस कितने हैं, 2, 4 और 1, 5। तो 5 एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे पास बने हैं, तो 5 हुए एक्स्ट्रा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 36 पहले थी, 36 जमा 5, तो ये हुए 41। अगला प्रश्न देखते हैं ताकि कंसेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो ये चित्र हमारे सामने है, तो इसमें हमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं इस चित्र में, कितने त्रिभुज हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि इस पूरी पिक्चर को, एक बेसिक पिक्चर है, उसको 4 बनाकर जोड़ा गया है। मतलब अगर मैं बात करूं, ये एक बेसिक पिक्चर है आपके पास, ये वाली, और इस तरह की 4 आकृतियों से मिलकर ये बना है। अगर हम नंबरिंग करें 1, 2, 3 और 4, तो इस तरह की ये 4 आकृति हैं। तो सबसे पहले हम इस आकृति में देखेंगे कि ट्रायंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और 8 को हमने डबल कर दिया 2 से गुना करके, तो 8 दुनी 16। तो इस तरह की एक आकृति में 16 ट्रायंगल हैं, और इस तरह की 4 आकृतियों से मिलकर पूरा ये पिक्चर बना है। तो 16 को हम करेंगे 4 से गुना, तो हमारे पास कितना हुआ, 16 चौके 64। तो 64 ट्रायंगल तो हमारे पास क्लियरली हम बता पा रहे हैं कि हमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद अब हमें देखना है कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितनी बनी है। एक्स्ट्रा ट्रायंगल के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ट्रायंगल वो होती हैं जब हम बेसिक पिक्चर को मिलाकर कोई बड़ी तस्वीर बनाते हैं, तो उसमें बनती हैं। तो जैसे हमने नंबरिंग कर दी है, पहला और दूसरा बॉक्स है, इसमें कितनी एक्स्ट्रा बनेंगी हमारे पास, पहले और दूसरे में जो एक्स्ट्रा बनने वाली हैं, 1 और 1 2। 2 तो ये बनी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे और तीसरे बॉक्स पर, इस प्रकार इसमें भी 2 बनेंगी, 1 तो ये बनी और 1 हमारे पास ये बनी, तो 2 इसमें एक्स्ट्रा बनी। अब चलते हैं तीसरे और चौथे बॉक्स पर, इसमें भी एज इट इज़ होगा, 1 तो ये बनी और 1 इसमें ये बनी, तो 2 इसमें बनी। अब पहले और चौथे बॉक्स को देख लेते हैं, इसमें भी 2 ही बनेंगी, 1 तो हमारी ये बनी और दूसरी हमारी ये बनी, तो 8 ट्रायंगल हमें बिल्कुल इसमें क्लियरली नज़र आ रही हैं। तो अब क्या देखें कि क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रायंगल इसमें बन रही हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो शायद आपको नज़र आएगा कि कुछ और ट्रायंगल भी हैं जो इस पिक्चर में बन रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ नेमिंग करता हूँ मैं। जैसे इसको मैंने कॉर्नर को P लिख दिया, इसको Q लिख दिया, और इसको हमने R और S लिख दिया। टोटल 2, 4, 6 और 8, 8 ये हो गई हमारे पास। क्या इसके अलावा भी हैं? अब मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल आपके सामने दिखाता हूँ, PQR, क्या बन रही है, PQR एक ट्रायंगल ये है। उसके बाद देखते हैं PQS एक ट्रायंगल ये बन रही है। उसके बाद एक ट्रायंगल और देखते हैं, PRS का मतलब क्या है, ये वाली ट्रायंगल। उसके बाद देखते हैं QRS, मैंने लिखा है QRS, तो QRS कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली। तो इस प्रकार अगर हम देखें, हमारे पास 1, 2, 3 और 4 4 ट्रायंगल ये बन रही हैं। तो इस फिगर में टोटल जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितनी हुई, 8 तो पहले कैलकुलेट की थी और 4 बाद में बनी हैं, और जो 64 पहले थी, तो इनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, इसमें 64 और 8 72, 72 और 4 76, 76। तो इस फिगर में टोटल हमारे पास 76 ट्रायंगल बनेगी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं
ये फिगर आपके सामने है, इसमें हमें बताना है कि कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो इस फिगर में आप सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक पिक्चर क्या कोई आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल आ रही है, ये वाली एक बेसिक पिक्चर है। इस तरह की दो पिक्चर हैं तो नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें 4 × 8, 8 इसमें हुए और 8 ही इसमें हुए हमारे पास। तो टोटल किया हमने तो ये होगी 16 तो बिल्कुल हमें आराम से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ और बेसिक पिक्चर हमें नज़र आ रही हैं। इस तरह की कितनी बेसिक पिक्चर आपको नज़र आ रही हैं, एक तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो इसमें कैसे करते हैं 1, 2, तो टोटल इसमें 3 ट्रायंगल हैं। इस तरह की 3 आकृतियां हमारे पास हैं तो टोटल 9 हुआ। क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी हैं जो इसमें बन रही हैं? तो इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, फिर से नेमिंग में कर देता हूँ, जैसे PQR ST U, तो मैं ट्रायंगल ही लिख रहा हूँ। एक ट्रायंगल है PQR, ये वाली ट्रायंगल एक्स्ट्रा है। उसके बाद देखें PSR, ये वाली ट्रायंगल जो इस तरह से बन रही है। क्या इसके बाद PST, ये वाली ट्रायंगल। उसके बाद हमारे पास है STU, ये वाली STU, ये वाली। तो कुल मिला के हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ये बन रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल वो हुई 16 + 9 + 4, तो टोटल हुआ हमारे पास 29। तो इस फिगर में टोटल 29 ट्रायंगल हैं। अगली पिक्चर को देखते हैं। तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये हम एक बेसिक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें कैसे हो सकता है कि जो जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं? कि एक तो ये पूरा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और 8। तो 8 × 16 तो ये हो गई हैं। इसके बाद ये वाला बॉक्स हमें नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल है, 1, 2 एंड 3, 3 इसके अंदर हैं। तो क्या इसके अलावा कोई और भी रेक्टेंगल है जो हमें नज़र आ रही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको आसानी से विजिबल हो जाए। PQR ST U V W। तो अब देखें आपके पास कि क्या और रेक्टेंगल हमारे पास है। मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे एक तो बन रही है PQR, ये वाली ट्रायंगल हमारे पास है। उसके बाद QRS, ये वाली इस तरह से। उसके बाद PTR, अगर हम ध्यान से देखें PTR जो ट्रायंगल है, ये वाली इस तरह से। इसके बाद SRU, ये वाली SRU, ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें हमारे पास, मैं नाम इसको देना चाहूँगा X एंड Y, PTX, ये वाली ट्रायंगल। PTX के अलावा हमारे पास बन रही है SYU। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, एक ट्रायंगल और इसमें बन रही है हमारे पास, ये बड़ी वाली ट्रायंगल QTU, ये बड़ी ट्रायंगल है। क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी बन रही हैं? अगर इसमें हम देखें QTR, ये वाली ट्रायंगल QTR जो ये है। इसके अलावा QRU, ये वाली ट्रायंगल QTU लिख लिया हमने।
उसके बाद क्या कोई और बचती है? तो टोटल अगर काउंट करें तो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 हमारे पास ये ट्रायंगल हैं जो हमें बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ट्रायंगल ये हैं, 16 पहले थी, 3 बाद में देखी हमने, और 9 ये हैं। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल तो इसमें हुई 16 जमा 3 और जमा 9, 16, 3, 19 और 9, 28। तो इस फिगर में हमारे पास टोटल 28 ट्रायंगल हैं। तो अगला पिक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या है। अगर आप देखें ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सबसे आसान ही लग रहा है। इसमें सिंपल क्या करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 तो इसमें है, तो 8 दूनी डबल करते हैं, 8 दूनी 16, 16 तो ये हुई, 1, 2, 3 ऊपर वाले में हुई, ठीक है, 16 और 3, 19। क्या इसके अतिरिक्त कोई और बन रही है? बिल्कुल बन रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ये, और एक ट्रायंगल बन रही है ये। तो दोनों पिक्चर को मिलाने से 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस पिक्चर में कितनी हुई हमारे पास, 16 जमा 3 जमा 2, तो 16 और 3, 19, 2, 21। तो इसमें 21 ट्रायंगल हमारे पास हैं। तो बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। अब ये नए क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हम जो स्टार्टिंग में किया था उन्हीं पे आधारित हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 2 पिक्चर्स को आपस में मिलाकर एक किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक पिक्चर इसमें कितनी है। इसमें बेसिक पिक्चर हैं 1 और 1, 2, एक हमारे लेफ्ट में है और एक राइट में है। और अब देखते हैं इनमें ट्रायंगल्स कितनी हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि जब भी फिगर आपको आपके सामने है, आपने जो इंडिविजुअल ट्रायंगल नज़र आ रही हैं उनकी नंबरिंग करनी है। और इस तरह के जो फिगर होती है उसमें कैसे करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 हमने लिख दिया है, और इनको हम जोड़ देंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो इनका जब टोटल किया तो वो आया 10। तो इधर देखते हैं कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इनको जोड़ेंगे आपस में, प्लस करेंगे, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो 10 इसमें हैं और 10 इसमें हैं, ठीक है। और फिगर में अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 जमा 10, तो टोटल हुई 20। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि इसमें भी 2 पिक्चरों को जोड़ा गया है और वही सेम कंसेप्ट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इंडिविजुअल ट्रायंगल हमें नज़र आ रही हैं उसकी नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3। तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास आया 3 और 2, 5 और 1, 6। इसी तरह से जो राइट में पिक्चर है इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3 और 4। और जब इनका टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारे पास आया 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हुई, 16 हुई टोटल, क्योंकि 6 जमा 10 तो हुई 16। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है, इसमें देखते हैं कि कैसे होगा। तो इसमें अगर आप देखें जो बेसिक पिक्चर हैं, इसमें आपके पास एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, ठीक है। तो सभी की नंबरिंग कर देते हैं। अगर देखें आप 1, 2, तो लेफ्ट में जो ट्रायंगल हमारे पास है तो 1 जमा 2, 3 इसमें हुई। इसी प्रकार राइट में 1 और 2, 1 जमा 2, 3 इसमें हुई, ठीक है। और एक ये बड़ी वाली, तो एक ये है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 जमा 3 जमा 1, तो हुई 7। तो इसमें टोटल 7 ट्रायंगल हमारे पास है। अब कुछ और देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें। तो इनमें हमें कैसे करना है, सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से देखें, और इस फिगर में आप देखें कि क्या कोई आपको बेसिक पिक्चर नज़र आ रही है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बेसिक पिक्चर है।
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें आपको क्लियरली नज़र होगा, मैं पहले फिगर को देखते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने बनाई है। इस फिगर में इस तरह की कितनी पिक्चर हैं अगर आप ध्यान से देखें, एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। और इस टाइप की पिक्चर में ट्रायंगल्स कितनी होती हैं, एक और दो, तो तीन है। और इसमें इस तरह की कितनी आकृतियाँ हैं, एक दो तीन और चार, चार हैं, तो 12 तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है जी, 12 ये हुई। उसके बाद देखते हैं कि और ट्रायंगल्स हमारे पास कितनी बनती हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर एक बॉक्स है आपके पास, बॉक्स में ट्रायंगल है एक दो तीन चार, तो 4 × 2 डबल करते हैं 8, इसमें ये हो गई हैं, 8 ये हो गई हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो टोटल ट्रायंगल्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं, और इस फिगर में अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी, 12 + 8, तो टोटल होंगी 20। अब अगले पिक्चर पर चलते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने है अगर इसको आप ध्यान से देखें, हमने क्या किया है, इस पिक्चर से सबसे पहले जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसको बना लिया है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पिक्चर में देख लिया कि कितने ट्रायंगल इसके अंदर हैं। अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 का डबल हमने कर दिया 16, तो पीछे वाली पिक्चर में है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पिक्चर में क्या कर रखा है, इस लाइन को मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो इसको मिलाने से हमारे पास क्या हुआ कि फिर से हमारे पास उसी तरह की एक पिक्चर बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें ये वाली इस तरह से, ये अंदर वाली पिक्चर है। तो इसमें भी हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 × 2 = 16, 16 इसके अंदर हमें बिल्कुल साफ साफ इसमें नजर आ रही हैं। तो इसके अलावा और क्या दिख रहा है हमें अगर हम ध्यान से देखें, तो इसके अतिरिक्त हम देखें कि हमें इस फिगर में ऊपर की तरफ एक बेसिक पिक्चर नज़र आ रही है ये वाली, और इस तरह की हमारे पास टोटल 4 हैं, ये इधर भी है, एक इधर भी है ये, और एक इधर भी है, तो टोटल 4 हैं। तो इस तरह की बेसिक पिक्चर में कितनी होती हैं, अगर आपके पास ये होती है 1, 2, दोनों का सम किया तो 3, और इस तरह की 4 आकृतियां हैं तो 3 × 12, तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अब कितनी हुई, 16 × 16 = 12, 16, 16, 32, 32 और 12, इसमें हो गए 44, 44। तो इस हमारे चित्र में हमारे पास टोटल 44 ट्रायंगल हैं, 44 त्रिभुज हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप अगले प्रश्न को देखें आपको ऐसा लगेगा कि इसी पिक्चर को उल्टा करके ऊपर जोड़ दिया गया है, मतलब कि अगर आप इस पिक्चर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें उसको अगर आप डबल कर देंगे तो बड़ी आसानी से बता देंगे किस में कितनी ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी फिगर लगी हुई हैं इस पिक्चर के अंदर। तो ये जो बॉक्स था इसको मैंने अलग से लिख लिया है ताकि आप इसमें काउंट कर सकें, 1, 2, 3 और 4, और 4 का डबल किया 8, और इस तरह के कितने बॉक्स हैं, 1 और 1 2, 2 हैं, तो 8 × 2 = 16, 16 तो हो गई ये। उसके बाद देखें इन बॉक्स के ऊपर ये एक बेसिक पिक्चर बनी है ये वाली जो यहाँ बनाई है, तो इसमें कितनी होती हैं, 3, 1 + 2, तो वो हुआ 3। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर ओपन फिगर है इस तरह की उसमें हम सम करते हैं, अगर क्लोज्ड फिगर है उसमें जो ट्रायंगल्स के नंबर होते हैं उसको हम डबल करते हैं, तो याद रखें आप। तो ये 16 ये हैं और 3 ये हैं। अब देखते हैं इसके अतिरिक्त क्या और पिक्चर इसमें बन रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें इसके अतिरिक्त क्या क्या पिक्चर आपको नज़र आ रही है आप देख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काउंट करना कि एक पिक्चर तो आपके पास ये बन रही है एक्स्ट्रा, और उसी तरह से एक एक्स्ट्रा आपके पास ये बन रही है, तो ये हुई 2। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें एक हमारे पास ये बन रही है और एक हमारे पास ये बन रही है,
तो दो ये हुई। इसके अलावा क्या हो सकती हैं, एक ये है और एक ये है, दो ये हुई, छह हो गई हैं टोटल। और इसके अलावा कोई और पिक्चर है जो आपको नज़र आ रही है? इसके अलावा अगर हम देखें क्या कोई और पिक्चर है जो आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल है, वो कौन कौन सी हैं? अगर आप इन दोनों बॉक्स को मिलाएं आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो दो ये हुई। और इसके अलावा हमारे पास एक ये बड़े वाली ट्रायंगल है, ये वाली, एक ये हुई। तो इनका टोटल किया दो चार छः आठ और एक नौ। तो क्या इसके अतिरिक्त कोई और भी है हमारे पास? अगर आप ध्यान दें क्या कोई और आपको नज़र आ रही हैं? तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास क्या कोई और एक्स्ट्रा ट्रायंगल हैं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक और एक दो, दो ये हो गई हैं, एक और एक दो, दो ये हो गई हमारे पास, एक और एक दो, दो ये हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें एक और एक ये, दो ये हो गई हैं, एक ये बड़े वाली है। क्या इसके अतिरिक्त कोई और हैं? हाँ बिल्कुल हैं, ये वाली जो ट्रायंगल है ये वाली, और ये वाली जो ट्रायंगल है, तो दो और हैं इसमें, टोटल हमारे पास 11 हैं। आप देखते हैं इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, मैं नीचे वाली की बात करूँ, ये नीचे वाला, तो इसमें हुई 16 जमा 3 और जमा 11, ये हुई 30। तो नीचे वाली फिगर में 30 हैं, तो ऊपर वाली फिगर में भी 30 होंगी एज इट इज़ है। तो पूरी जो पिक्चर है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन गिवन फिगर, जो पिक्चर हमें दी गई है, तो उसमें हुई 30 जमा 30, टोटल हुई 60। तो इसमें हमारे पास 60 ट्रायंगल हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने हैं। अब इनमें आप बताएं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। पहला फिगर हमारे सामने है, पहला फिगर बिल्कुल बेसिक है, वही एज इट इज़ करते आए हैं, एक दो तीन और चार, चार दुनी आठ, तो आठ तो इसके अंदर हो गई हमारे पास। तो और देखें कि और इसमें क्या हो सकता है। जो अगला चित्र हमारे पास है इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ये वाला फिगर है, एक पार्ट राइट है, एक हमारा लेफ्ट और राइट, दो पार्ट हैं। तो देखें एक दो और तीन, तो तीन जमा दो जमा एक, छः तो ये हो गई हैं। इसी तरह का सेम पार्ट हमारे राइट में है, तो उसको दो कर दिया, 12 तो ये हो गई हमारे पास। तो क्या इन 12 के अतिरिक्त कोई और ट्रायंगल इसमें नज़र आ रही है हमारे पास? अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक ट्रायंगल तो ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये वाली बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, और एक ट्रायंगल इसमें ये बन रही है। तो टोटल इसमें हमारे पास 4 और एक्स्ट्रा बन रही हैं, तो ये हुई 12 और 4, अगर आप देखें 16, और 8 उस बॉक्स में थी। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हुई? 16 जमा 8, तो टोटल हुई 24। तो इस फिगर में जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो 24 है। अगला फिगर देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक ही, अगर हम ध्यान से देखें, इसके बीच वाले बॉक्स को हम अलग से बना लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियरली नज़र आए। और एक बेसिक पिक्चर है जिसको मैं अलग से बना लिया, ये। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें कितनी है, इस बॉक्स के अंदर, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो छः दुनी 12, डबल करते हैं ना, तो 12 इसमें हुई, एक और एक दो, एक और दो तीन, ये हैं। इस तरह की टोटल हमारे पास 4 आकृति हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक और एक ये, 4 आकृति हैं। तो 3 गुना 4,
तो 12 इसमें ये हो गई हैं। अब ये देखें क्या इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रही हैं। बिल्कुल बन रही हैं, अगर आप देखें एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बनी और एक ट्रायंगल ये बनी, तो 1, 2, 3 और 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल हुई हमारे पास 4। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हुई, 12, 12 और 4, 12 प्लस 12 प्लस 4, तो ये हुई हमारे पास 28, 28। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं 28। अब इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखें, और ये प्रश्न व्यूवर्स आप लोगों के लिए है कि इस फिगर को आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि काउंटिंग ऑफ फिगर का जो टॉपिक है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में, हम कैसे ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं जब हमें कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर दी गई होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।